This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioned at Shalibanda, Hyderabad. A man seeking justice his money debut case books against him by Hussain Alam PS. मैं महमूद अहमद फारूकी बात कर रहा हूँ. मैं जुनेद को पैसे बिजनेस के लिए दिया था. जुनेद मेरे साथ बिजनेस करते थे, उनको मैं पैसे दिया 6.5 लाख रुपए बिजनेस के लिए. जुनेद को दिया था मैं जुलाई 2019 को दिया था मैं पैसे बिजनेस के लिए. फिर उनके वालिद फैयाज अली साहब आके मेरे सामने बोले, भाई मेरे को 2 लाख रुपए की जरूरत है. जुनेद से मैं आपको वादा कराता हूँ कि मैं आपको वो 2 लाख रुपए भी उसके साथ में 6.5 लाख के साथ में 2 लाख रुपए और दे दूंगा बोल के बोले थे. उस बेस पे मैं जुनेद को टोटल 8.5 लाख रुपए दिया था. हम दोनों कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे थे, सैनिटरी का बिजनेस कर रहे थे. उन्होंने दुकान भी लगाए थे सैनिटरी की. तो उसके बाद में मैंने क्या किया मालूम, उनको पूछा, भाई पैसे क्या हुआ, पैसे नहीं दे रहे, क्या बात है? तो उन्होंने बोले, हाँ मैम उन पर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा हार्ट टाइट है, हर बार यही बोल रहे थे. तो मेरा ठीक है भाई, आप जो पैसे लिए वो वापस कर दो. उसके बाद में वापस नहीं करे, उनसे मेरे से वायदा करेंगे भाई मैं आपको ये दूंगा. तो फिर उनके वालिद मेरे घर पे आए थे, बोले महमूद भाई आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, अगर मैं आपको पैसा नहीं दूंगा अगर आपको नवंबर तक, तो आप मेरे को चप्पल लेके रोड पे चौरस्ते पे चप्पल लेके मारो, ये मेरा फैयाज का वादा है बोल के बोले थे. मैं ठीक है बोल के बड़े हैं बोल के खामोश बैठ गया था. तो उसके बाद में मैं जब भी उनको फोन करता तो बोलते फोन अभी मत करो, अभी मत करो. मेरे पूरे रिकॉर्डिंग से, फैयाज अली साहब की रिकॉर्डिंग से, जुनेद की रिकॉर्डिंग से. उसके बाद में जुनेद साहब क्या करे, भाग गए कहीं पर बाहर 8 दिन के लिए भाग गए. मैं जब भी फोन करता तो उनके वालिद साहब निकल ये बोलते थे, भाई पैसों की माँ की किरकिरी, क्या बोलते, पैसा गया भाड़ में, मेरा बच्चा चले गया. वो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है. वो रिकॉर्डिंग्स ने पूरा कमिश्नर ऑफिस में दिया, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दिया, जॉइंट कमिश्नर ऑफिस में दिया, हर जगह में रिकॉर्डिंग्स दिया मैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा. मैं 4 फरवरी के दिन जाके जॉइंट कमिश्नर में खुद एक्नॉलेजमेंट लेके आया, कमिश्नर ऑफिस में जाके एक्नॉलेजमेंट लेके आया. उसके बाद में वो लोग मेरे को कुछ रिस्पांस नहीं दिए. डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में गया, वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला. उसके बाद में मेरे को पुलिस वाले फोन करके बुलाए, हाँ कमिश्नर ऑफिस गया था मैं. कमिश्नर ऑफिस देखिए मेरे पास में है, 4th को गया था मैं, 4 फरवरी को. देखिए 4 फरवरी को मैं कमिश्नर ऑफिस जाके वहां से स्टैम्प डला के बाजबता एक्नॉलेजमेंट लेटर है मेरे पास में, कि एक्नॉलेजमेंट लेटर का मैं बोला ये ले जाके पुलिस वालों को आया था ये, लेकिन वो लोग कोई रिस्पांस नहीं दिए. कौन सा पीएस? हुसैनी आलम दूध गोली पीएस में मैं रिकॉर्डिंग दिया था. मैं बताया ये रिकॉर्ड है साहब करो, बोले तो हाँ बाद में करेंगे. पता नहीं वो पुलिस वाले मैनेज कर लिए थे या जुनेद मैनेज कर लिया था या उबैद मैनेज कर लिया था. उसके बाद में मैं ढूंढ ढूंढ के उबैद जुनेद का घर मुझे नहीं पता था, तो मैं उबैद के घर गया जाके खाली बेल मारा. बेल मारने के बाद में उनके वालिद का कॉल आया मेरे को कि कहां पर है महमूद भाई. मैं बोला भाई मैं अभी नमाज पढ़ के बाहर निकल के ठहरा हुआ हूँ जुनेद के घर के पास में. तो बोले भाई आप यहाँ का दूध बोली पीएस को आ जाओ. मैं बोला भाई मैं पीएस क्यों आऊँ, जबकि मैं चोरी नहीं करा, मैं आपको पैसा दिया, आप बोले मेरे को नवंबर अगर 10 तक मैं पैसा नहीं दूंगा तो चप्पल लेके मारो बोले. फिर आप क्या बोलते हो मेरे को पुलिस क्यों बुला रहे हैं, आप आके यहाँ बात करिए, मैं पैसे दिए आपको, आप मुझे पैसे नहीं दिए. तो उसके बाद क्या करें, पुलिस वाले आए मेरे को गाड़ी पे बिठा लिए, दूध बोली पुलिस वाले आए मेरे को गाड़ी पे बिठा लिए, लेके चले गए वहां पर. उबैद जुनेद फारूक और क्या बोलते सो ये लोग पूरे साथ में थे. जुनेद थे, उनके वालिद साहब फैयाज साहब थे, और उबैद आबेद था, और क्या बोलते सो उनका भाई फारूक था. 4 आदमी मिलके अंदर ठहर के मेरे को देख के साहब यही है देखो बोल के बता रहे थे. मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं. मैं गया बात कर, सर्कल साहब नहीं थे इस वक्त, मेरे को 2 घंटे बिठा के मेरे को वापस छोड़ दिए, मैं आ गया. उसके बाद में फिर फोन आया मेरे को, भाई आप आइए यहाँ पर. तो मैं किसी एक साहब को पकड़ के ले आके उनको मिलाया, बात कराया. तो बोले ठीक है मैं बात करता हूँ अंदर बोल के, बोले बात नहीं हुई उस तालुक से बात नहीं. उसके बाद में फिर कल मैं गया, मैं यहाँ पर नहीं था, एमपी गया हुआ था. एमपी जाके आने के बाद में मेरे घर पे 2 पुलिस वाले आते, खटका मार के बोलते कि भाई आपको सर्कल साहब बुला रहे. मैं फोन करके बोला साहब मैं करा क्या जुर्म जो आप लोग पकड़ने के लिए आए. नहीं साहब आपके नाम पे केस बुक हो गया है.
तो फिर कल मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन में बात करा तो बोले भाई आपको चार केसेस बुक है जी, एक 420 का केस बुक है और तीन केस क्या बुक है वो तो बोल रहे नहीं, मेरे को बता रहे नहीं। मैं अदर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, जॉइंट कमिश्नर साहब से और अरेस्ट करने के लिए बुलाया मेरे को आज जी। आज मेरे को बोले तुमको अरेस्ट करके डायरेक्ट क्या बोलते हैं यहाँ से हम भिजा देंगे जेल। कोई पेपर पे साइन लिए? मेरे को एक पेपर पे साइन लिए, A41 बोल के सेक्शन A41 के पेपर है उसके ऊपर कल रात में साइन ले लिए मेरे को। बोले आज 12-1 बजे तक आप पहुंचना है और आपको क्या बोलते हैं यहाँ से आप PS में क्लियर करना है या नहीं तो फिर आपको वहां पर जाके बेल लेके बाहर वहां से बेल लेना बोल के बोले मुझे। मगर आप पैसे दिए फिर? हाँ, आप मैं 8.5 लाख रुपए जुनेद को बिजनेस के तौर पे दिया भाई, अल्लाह की कसम है मैं बिजनेस के तौर पे दिया। लेकिन वो बंदा ना आज चीटिंग कर रहा मेरे साथ, वो उसका केस ऊपर हो गया मेरा केस नीचे गया, जबकि मैं 10-10 वक्त बताया भाई मेरे कहने कमिश्नर का लेटर है मेरे पास, कमिश्नर का लेटर है, मैं बार बार बता रहा हूँ मैं कमिश्नर का लेटर लेके आया, लेकिन वो लोग कोई मेरे को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कहीं पर भी मदद नहीं मिल रही। इसीलिए मैं आप लोगों के पास आया, मुझे मदद दिलाइए और KTR साहब से खास रिक्वेस्ट है कि मुझे मदद दिलाइए, क्योंकि मदद के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मदद चाहिए मुझे। मैं अभी फिर कोशिश करूंगा कि मैं KTR साहब के पास तो नहीं जा सकता हूं मैं, लेकिन कमिश्नर ऑफिस साहब के पास जाके उनके ऑफिस के सामने बैठ जाऊंगा, जब तक मेरा केस सॉल्व नहीं करेंगे ये लोग मैं वहां से नहीं निकलूंगा। मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरा केस सॉल्व करिए, क्योंकि मेरे को कोई नहीं है, मेरे को छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों से मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैं महमूद अहमद फारूकी बात कर रहा हूँ। मैं जुनेद को पैसे बिजनेस के लिए दिया था, जुनेद मेरे साथ बिजनेस करते थे, उनको मैं पैसे दिया 6.5 लाख रुपए बिजनेस के लिए जुनेद को दिया था। मैं जुलाई 2019 को दिया था मैं पैसे बिजनेस के लिए। फिर उनके वालिद फैयाज अली साहब आके मेरे सामने बोले भाई मेरे को 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, जुनेद से मैं आपको वादा कराता हूँ कि मैं आपको वो 2 लाख रुपए भी उसके साथ में 6.5 लाख के साथ में 2 लाख रुपए और दे दूंगा बोल के बोले थे। उस बेस पे मैं जुनेद को टोटल 8.5 लाख रुपए दिया था। हम दोनों कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे थे, सैनिटरी का बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने दुकान भी लगाए थे सैनिटरी की। तो उसके बाद में मैं क्या किया मालूम, उनको पूछा भाई पैसे क्या हुआ, पैसे नहीं दे रहे क्या बात है? तो उन्होंने बोले हाँ मैम उनके मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा हार्ट टाइड है, हर बार यही बोल रहे थे। तो मेरा ठीक है भाई आप जो पैसा लिए वो वापस कर दो। उसके बाद में वापस नहीं करे उनसे, मेरे से वायदा करेंगे भाई मैं आपको ये दूंगा। तो फिर उनके वालिद मेरे घर पे आए थे, बोले महमूद भाई आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, अगर मैं आपको पैसा नहीं दूंगा अगर आपको नवंबर तक, तो आप मेरे को चप्पल लेके रोड पे चौरस्ते पे चप्पल लेके मारो, ये मेरा फैयाज का वादा है बोल के बोले थे। मैं ठीक है बोल के बड़े हैं बोल के खामोश बैठ गया था। तो उसके बाद में मैं जब भी उनको फ़ोन करता तो बोलते फ़ोन अभी मत करो, अभी मत करो। मैंने पूरे रिकॉर्डिंग से फैयाज अली साहब की रिकॉर्डिंग से, जुनेद की रिकॉर्डिंग से, उसके बाद में जुनेद साहब क्या करे भाग गए कहीं पर बाहर, 8 दिन के लिए भाग गए। मैं जब भी फोन करता तो उनके वालिद साहब मेरे ये बोलते थे भाई पैसों की माँ की गिरगिरी, क्या बोलते पैसा गया भाड़ में, मेरा बच्चा चले गया, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। वो रिकॉर्डिंग्स ने पूरा कमिश्नर ऑफिस में दिया, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दिया, जॉइंट कमिश्नर ऑफिस में दिया, हर जगह में रिकॉर्डिंग्स दिया मैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा। मैं 4 फरवरी के दिन जाके जॉइंट कमिश्नर में खुद एक्नॉलेजमेंट लेके आया, कमिश्नर ऑफिस में जाके एक्नॉलेजमेंट लेके आया। उसके बाद में वो लोग मेरे को कुछ रिस्पांस नहीं दिए, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में गया वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद में मेरे को पुलिस वाले फोन करके बुलाया, मैं कमिश्नर ऑफिस गया था। देखिए मेरे पास में है, 4 फरवरी को मैं कमिश्नर ऑफिस जाके वहां से स्टैम्प डला के बाजब्ता एक्नॉलेजमेंट लेटर है मेरे पास में कि एक्नॉलेजमेंट लेटर का मैं बोला ये लिख जाए कि पुलिस वालों को आया था ये, लेकिन उन लोग कोई रिस्पांस नहीं दिए। कौन सा PS? हुसैनी आलम दूधगोली PS में मैं रिकॉर्डिंग दिया था, मैं बताया ये रिकॉर्ड है साफ करो, बोले तो हाँ बाद में करेंगे। पता नहीं वो पुलिस वाले मैनेज कर लिए थे या जुनेद मैनेज कर लिया था या उबेद मैनेज कर लिया था। उसके बाद में मैं ढूंढ ढूंढ के उबेद जुनेद का घर मुझे नहीं पता था, तो मैं उबेद के घर गया जाके खाली बेल मारा। बेल मारने के बाद में उनके वालिद का कॉल आया मेरे को कि कहाँ पर है महमूद भाई। मैं बोला भाई मैं अभी नमाज पढ़ के बाहर निकल के ठहरा हुआ हूँ जुनेद के घर के पास में। तो बोले
भाई आप यहाँ का दूध बोली पीएस को आ जाओ। मैं बोला भाई मैं पीएस क्यों आऊँ जबकि मैं चोरी नहीं करा, मैं आपको पैसा दिया। आप बोले मेरे को नवंबर अगर 10 तक मैं पैसा नहीं दूंगा तो चप्पल लेके मारो बोले। फिर आप क्या बोलते हो मेरे को पुलिस क्यों बुला रहे हैं? आप आके यहाँ बात करिए, मैं पैसे दिए आपको, आप मुझे पैसे नहीं दिए। तो उसके बाद क्या किया, पुलिस वाले आए मेरे को गाड़ी पे बिठा लिए, दूध बोले पुलिस वाले आए मेरे को गाड़ी पे बिठा लिए, लेके चले गए वहां पर। उबेर जुनेद फारूक और क्या बोलते सो ये लोग पूरे साथ में थे। जुनेद थे, उनके वालिद साहब फैयाज साहब थे, और उबेद आबेद था, और क्या बोलते सो उनका भाई फारूक था। चार आदमी मिलके अंदर ठहर के मेरे को देख के साहब यही है देखो बोल के बता रहे थे। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं गया बात कर, सर्कल साहब नहीं थे इस वक्त, मेरे को 2 घंटे बिठा के मेरे को वापस छोड़ दिए, मैं आ गया। उसके बाद में फिर फोन आया मेरे को भाई आप आइए यहाँ पर। तो मैं किसी एक साहब को पकड़ के लिया के उनको मिलाया, बात कराया, तो बोले ठीक है मैं बात करता हूँ अंदर, बल्कि बोले बात नहीं हुई उस तालुक से बात नहीं। उसके बाद में फिर कल मैं गया, मैं यहाँ पर नहीं था, एमपी गया हुआ था। एमपी जाके आने के बाद में मेरे घर पे 2 पुलिस वाले आते, खटका मार के बोलते कि भाई आपको सर्कल साहब बुला रहे। मैं फिर मैं फोन करके बोला साहब मैं करा क्या जुर्म जो आप लोगों को पकड़ने के लिए आए? नहीं साहब आपके नाम पे केस बुक हो गया है। तो फिर कल मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन में बात करा तो बोले भाई आपको 4 केसेस बुक है जी, 420 का केस बुक है और 3 केस क्या बुक है वो तो बोल रहे नहीं, मेरे को बता रहे नहीं। मैं अदर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, जॉइंट कमिश्नर साहब से और असिस्टेंट, आज इसलिए बुलाया कि मेरे को अरेस्ट करने के लिए बुलाया मेरे को आज जी। आज मेरे को बोले तुमको अरेस्ट करके डायरेक्ट क्या बोलते हो यहाँ से हम भिजा देंगे जेल। कोई पेपर पे साइन लिए? मेरे को एक पेपर पे साइन लिए, A41 बोल के सेक्शन A41 के पेपर है उसके ऊपर कल रात में साइन ले लिए मेरे को। बोले आज 12-1 बजे तक आप वहाँ पहुंचना है और आपको क्या बोलते हो यहाँ से आप पीएस में क्लियर करना है या नहीं तो फिर आपको वहां पर जाके बेल लेके बाहर वहां से बेल लेना बोल के बोले मुझे। मगर आप पैसे दिए फिर? हाँ, आप मैं 8.5 लाख रुपए जुनेद को बिजनेस के तौर पे दिया भाई, अल्लाह की कसम है मैं बिजनेस के तौर पे दिया। लेकिन वो बंदा ना आज चीटिंग कर रहा मेरे साथ, वो उसका केस ऊपर हो गया मेरा केस नीचे गया, जबकि मैं 10-10 वक्त बताया भाई मेरे कहने कमिश्नर का लेटर है मेरे पास, कमिश्नर का लेटर है, मैं बार बार बता रहा हूँ मैं कमिश्नर का लेटर लेके आया, लेकिन वो लोग कोई मेरे को रिस्पॉन्स नहीं कर, कहीं पर भी मदद नहीं मिल रही। इसीलिए मैं आप लोगों के पास आया, मुझे मदद दिलाइए और केटीआर साहब से खास रिक्वेस्ट है कि मुझे मदद दिलाइए, क्योंकि मदद के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मदद चाहिए मुझे। मैं अभी फिर कोशिश करूंगा कि मैं केटीआर साहब के पास तो नहीं जा सकता हूं मैं, लेकिन कमिश्नर ऑफिस साहब के पास जाके उनके ऑफिस के सामने बैठ जाऊंगा, जब तक मेरा केस सॉल्व नहीं करेंगे ये लोग मैं वहां से नहीं निकलूंगा। मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरा केस सॉल्व करिए, क्योंकि मेरे को कोई नहीं है, मेरे को छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को 3 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे को। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों से मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा।